करता हूँ। मैंने कम से कम 4 गुना न्यूनतम आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कम से कम, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से केंद्र में आए हैं वो कम से कम 3 वर्ष किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले, फसल बीमा योजना लागू हो, उसको सोए लेके आया। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए, जल शक्ति मिशन मंत्रालय की स्थापना के साथ भी है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम। अशोक गहलोत सरकार कहती है कि दिया, लेकिन एक विकास पथ बना नहीं, किसी प्रकार से इतना रसोई बना दिया तो पूरा जैसा हमारे को प्रदेश ने चुनाव का प्रभारी दिया है और जितनी ऊर्जा उसी गांव को अपना पंचायत चुनाव का प्रचार का वो स्थान बना ले में और देखिए पंचायत राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता से कार्य करते हुए प्रत्याशियों का चयन करने वाली है। सामूहिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी में होता रहा है और वही सामूहिक निर्णय भी पंचायत राज में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के किया जाएगा। जिला स्तर पर समन्वय समिति और चुनाव संचालन समिति बनी है, इसी तरह से मंडल स्तर पर भी समन्वय समिति और चुनाव संचालन समिति बनाई गई है। मंडल स्तर पर प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, उनके नामों के आवेदन पत्र आज भराए जा रहे हैं। ये सारे आवेदन पत्र भरने के बाद इन सभी को पैनल में शामिल किया जाएगा और पैनल बनने के बाद में मंडल स्तर पर चर्चा होगी, मंडल स्तर पर चर्चा होने के बाद में जिला स्तर पर चर्चा होगी और जिला स्तर पर चर्चा होने के बाद में 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह 3 नाम प्रदेश की समिति के सामने, जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और प्रदेश की समिति उन 3 नामों वाले पैनल में से 1 नाम फाइनल करके प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है। और पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के उपरांत में चुनाव संचालन समिति का कार्य प्रारंभ होगा। चुनाव संचालन समिति सभी पंचायत समितियों में और जिला परिषद में चुनाव लड़ाने वाली है। जो वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी, चाहे वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा हो, चाहे किसानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की बात हो, चाहे किसानों के कर्जा माफ़ करने की बात हो, चाहे किसानों को कृषि कनेक्शन देने की बात हो, लेकिन एक भी वादा कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं करा। ये वादा पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। जो बेनिफिट, जो योजनाएं वसुंधरा जी की सरकार में संचालित थी, उन योजनाओं को इस कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बंद कर दिया। उसमें किसानों को 800 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलते थे कृषि पर, बिजली पर, वो 800 रुपये की सब्सिडी किसानों की आते से अशोक गहलोत जी ने बंद कर दी। बेरोजगारी भत्ते का वादा करके उसको पूरा नहीं किया। आज भी किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है कि उसको जो बैंक का कर्जा उसका था, जो नेशनल बैंक थे उनका जो कर्जा था, उन कर्जों को उन्होंने आज तक भी माफ़ नहीं किया। 10 दिन में माफ़ करने की बात करी थी राहुल गांधी ने, वो 10 दिन की जगह 200 दिन से ज़्यादा निकल गए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है।